ध्यान असंस्कृत संस्कृत कहते हैं सुधरे हुए को, सुलझे हुए को या जोड़े हुए को। इस अध्ययन में भगवान ने आयु के संबंध में कुछ गहन सूत्र हमें दिए हैं, जिसमें से पहला सूत्र ही यही है कि समय का जो क्षण चला गया वो वापस लौट कर नहीं आता, इसी को असंस्कृत कहते हैं। तबीयत बिगड़ जाए तो औषध से आप ठीक कर सकते हो, कपड़ा फट जाए तो सिल सकते हो, मकान गिर जाए दोबारा बना सकते हो, व्यापार बिगड़ जाए दोबारा संभाल सकते हो, इंसान अगर ठोकर खाकर गिर जाए तो दोबारा उठ सकता है, परंतु जो समय चला जाता है वो उसे वापस लौटाने का कोई उपाय नहीं। आपके पास कोई साधन नहीं है। हो सकता है कि आप दुनिया के सबसे साधन संपन्न इंसान हो सकता है कि आप दुनिया के सबसे प्रभावशाली और शक्ति संपन्न इंसान हो सकता है कि ये पूरा ब्रह्मांड आपके इशारों पर नाचता हो, परंतु समय फिर भी आपके हाथ में, आपके वश में नहीं होगा। आप समय के पार तो जा सकते हैं, परंतु समय में रहकर उस पर आप काबू नहीं पा सकते। आप बियॉन्ड टाइम हो सकते हैं, आप अकाल पुरुष हो सकते हैं, आप समय से परे जा सकते हैं, परंतु समय में रहकर समय पर वश करना, समय पर लगाम कसना, ये किसी के हाथ में नहीं है। इसलिए परमात्मा का एक नाम है अकाल पुरुष, अर्थात जो समय से क्या हो गया, पार हो गया, जो समय से ऊपर उठ गया। परंतु जब तक हम समय में हैं तब तक आप इसे वश में नहीं, बल्कि इसको सुधारने की कोशिश करें, तब तक इसको सफल बनाने की कोशिश करें। असंस्कृत का मतलब ही यही होता है कि गया तो फिर आपके हाथ से चला गया। एक बार अगर धनुष से बाण छूट गया तो फिर वापस लौटाने का कोई उपाय नहीं, फिर तो वो जहां उसका लक्ष्य है वहां तक उसने पहुंचना है। एक बार अगर ये समय चला गया तो वापस लौटाने का कोई साधन नहीं है। इसलिए अगर आप इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो परमात्मा चाहते हैं क्षणम जानह, कि जो ये समय है इसी को जानो, जो ये वक्त है इसी को जियो, जो इस समय जो अवसर है इसी का क्या करो, इसी का लाभ उठाओ। तो ये असंस्कृत अध्ययन में अप्रमाद की ओर बढ़ने के लिए भगवान ने संदेश दिया है, जागने के लिए भगवान ने संदेश दिया है। तो पहले हम इसकी जो गीतिका है पहले उसे लेंगे और उसके बाद इसका मूल पाठ। साध नहीं सकता है कोई जिंदगी को जान लो, त्राण नहीं देता है कोई तुम नींद से अब जाग लो, स्वच्छंदता को छोड़ करके विजय पथ का हो वरन, रत्न त्रय आराधना से आत्म रक्षक हो श्रमण, रत्न त्रय आराधना से आत्म रक्षक हो श्रमण। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। ओ तेरा अध्ययन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा
अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन आयु क्षण क्षण बीत रही है, साध न सकता कोई, मौत निकट जब आएगी तो बचा न सकता कोई, किसकी शरण मिलेगी सोचो, प्रमत्त दशा को टालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य। पाप कर्म से धन का संचय कुटिल राह से करता, परिजन में वह फंसा एक दिन उसे छोड़ कर चलता, पाप बांध कर नरक में जाता, दुख से आज बचा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। पांचवा, दीप बुझे तो मार्ग मिले नहीं, अंध गुफा में जैसे, मोक्ष मार्ग भी मिल नहीं पाता धन आसक्त को वैसे, आखिर धन भी त्राण न देता लो लुप्ता को टालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। छठा, सुप्त जनों में ज्ञानी साधक रहे जागता हरदम, निर्बल तन का नहीं भरोसा, काल बड़ा है निर्मम, इसीलिए भारंड पक्षी सम जागरूक मन चालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। दसवा, सुलभ नहीं है अल्प काल में आत्मविवेक की बनना, शीघ्र काम भोग को तज के संयम पथ पर चलना, संभाव से लोक समझ कर सावधान बन चलो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना। अब मूल पाठ, नमो थोणम।
समणस्य भगवो महावीरस्य असंख्यं जीवियमापमाये जरो वलियस्य मुनत्थितानं एयं वियाणाहि जडे पमत्ते किन्नो विहिंसा अजया गहन्ति जे पावकं मे धनं मनुस्सा समाययन्ति अमयङ्गहाय पहायते पाशपयट्ये नरे वीराणबद्धा नरय उवन्ति तेने जहासन् दिमोहे गहिये सकमुनाके चै पावकारी एवं पयापे चैहं चलोए कडानकमान नमोक्ति संसार मावन्न परस्य अट्ठा सहारणं जं च करे कम्मं कम्मस्य ते तस्य उवे काले ने बन्धवा बन्धवयं वेन्ति वित्तेन ताणं न लभे पमत्ते इमां मिलोए अदुवा परट्ठा देव पनट्ठेव अनन्तमोहे नेयाहुयं रक्षमदट्ठुमिव सुत्ते सुयावे परिबुद्धजीवे न वेशसे पण्डियासुपण्ये घोरामहुता अवलासैरं भारण्डपक्षीव चरे पमत्ते चरे पयाहि परिसङ्क्रमाणो जं किञ्चि पासं इह मन्नमाणो लाभन्तरे जीवियवो हयिता पच्छा परन्नाय मनावधंसि छन्दं निरोहेण उवे मोखं आसे जहासे खियवं मधारि उवाय वासाय चरे पमत्तो तम्हा मुनिक्षिप्रमुवे मुखं सर्पोऽमेवं न लभे जपच्छा एषोऽमासाशयवायानम् विषीयै शिढिलयाऊयं मे कालो वणीये शरीरस्य भेय क्षिपं न शक्ये विवेगमेवं तमासमुत्थाय पहाय कामे समीचलोऽयं समयामहेषे आयाणुरखेव चरे पमत्ते मोहं मोहं मोहगुणे जयन्तं अणे गरुवा समणं चरन्तं पासापुसन्ति असमञ्जसं च न ते शुभिक्षो मनसा पौष्ये मन्दाय पासा बहुलो हणिजा तह पगारे सुमणं न कुज्जा रखेज को हं विणे जमाणं मायं न सेवेज पये जलोहं जे संखया तुच्छ परप्रवाये ते पेज दोषानुगया परज्झा ए अहं मेति दुगुञ्छमाणो कंखे गुणे जावसरीरे कंखे गुणे जावसरीरे भेरे 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 भ
पांचवा अध्ययन अकाम मरणीय। बाईसवा पृष्ठ अकाम मरणीय। यह जो अध्ययन है वैसे तो इसमें अकाम मरण और सकाम मरण दोनों मरण के विषय में बतलाया है। एक है पंडित मरण और एक है बाल मरण, एक है ज्ञानी की मृत्यु और एक है अज्ञानी की मृत्यु, एक है बोध में जीने वाले की मृत्यु और एक है अबोधता में जीने वाले की मृत्यु। मरना तो सभी को है, चाहे वो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, चाहे वो सम्यक्त्वी हो या मिथ्यात्वी हो, धर्मी हो या अधर्मी हो, सुंदर हो या कुरूप हो, बलवान हो या अशक्त हो, जाना तो सबको है। पर एक चीज याद रखना, कुछ लोग होते हैं जो हाय हाय करते हुए आते हैं, हाय हाय करते हुए जीते हैं और हाय हाय करते ही इस दुनिया से चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान ने कहा कि वो हैं अकाम मरण वाले, कि उनकी चाहना नहीं थी मृत्यु की। भैया अभी मृत्यु आए, कौन चाहता है कि मौत आए? परंतु याद रखिए कि जब तक मृत्यु की तैयारी ना हो, जब तक मृत्यु का सामना करने का साहस ना हो, तब तक मृत्यु अकाम मृत्यु ही है, तब तक मृत्यु अज्ञानी की ही मृत्यु है। जब तक मृत्यु से भय लगे तब तक अज्ञानी की मौत है। जिस दिन ये पता चल जाता है कि मेरा स्वभाव मृत्यु का नहीं है, मैं मरने वाला नहीं हूँ, मैं चैतन्य हूँ जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, तो जिसे अपने स्वभाव का पता चल जाता है वो मृत्यु से भय नहीं खाता। और जो मृत्यु से भय नहीं खाता उसके लिए मृत्यु मृत्यु नहीं, मृत्यु शमशान यात्रा नहीं, बल्कि मृत्यु उसके लिए महोत्सव बन जाता है, त्योहार बन जाता है। कहते हैं ना कि भैया जिस मौत से दुनिया डरती है, ज्ञानी उस मौत में भी खुशियां मनाता है, आनंद मनाता है, मोद मनाता है, प्रसन्नता मनाता है। तो हम कामना करें कि इतनी बार अकाम मृत्यु की मौत मरे हैं, एक ऐसी सकाम मृत्यु आए कि मरना ही क्या हो जाए, छूट जाए। एक ऐसी समाधि मरण मिले कि भैया सारे जन्म और मृत्यु की परंपरा ही क्या हो जाए, छूट जाए। तो अकाम मरणीय का इस अध्ययन में दोनों ही मृत्युओं का वर्णन है, पर अकाम मरण पर ज्यादा जोर दिया जा सकता है या इसमें अध्ययन में जोर दिया गया है, इसलिए इस अध्ययन का नाम क्या है, अकाम मरण है। अब हम पहले इस अकाम मरण की हिंदी गीतिका को लेंगे और उसके बाद इसका मूल पाठ। अज्ञजन संत्रस्त होते मृत्यु जब हो सामने, लौट फिर मरण पाते इस जगत को थामने। आत्मज्ञानी को कभी भी मरण से है भय नहीं, भव भ्रमण परिमित करे संवेदना करके सही, भव भ्रमण परिमित करे संवेदना करके सही। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो सुना लो, जीवन धन बना लो, जीवन धन बना लो, उतरा अध्ययन में गुंजित होते प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन बना लो, जीवन धन बना लो। दुस्तर सागर तीरे अनेको बनकर केवल ज्ञानी, तीर्थंकर ने बोध दिया है सुन लो उनकी वाणी। मरण अकाम सकाम है दो इनका ज्ञान बढ़ा लो, जीवन धन बना लो, जीवन धन बना लो।
कबीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन बना लो, जीवन धन बना लो। अज्ञानी जन बाल मरण से बार बार है मरते, सकाम मरण तो पंडित ज्ञानी एक बार ही करते। काम ग्रस्त के बाल मरण का अंतर ज्ञान करा लो, जीवन धन बना लो, जीवन धन बना लो। वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन बना लो, जीवन धन बना लो। काम भोग कहता है मैंने नहीं प्रलोक को देखा, सुख तो है प्रत्यक्ष यहाँ पर आगे संकार रेखा, है या नहीं प्रलोक भी कोई ऐसी सोच निकालो, जीवन धन बना लो, जीवन धन बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन बना लो, जीवन। आठवां सूत्र। मरण सकाम का रूप समझ लो वीर प्रभु फरमाते, इंद्रिय जेता आत्म जयी और पुण्यवान पाते, अनाकुल आघात रहित है आत्म भाव जगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। दसवां। चारित्र रहित भिक्षु से होते देश व्रति है बढ़कर, उनसे बढ़कर सर्वव्रति है श्रेष्ठ गुणों के सागर, शुद्धाचारी साधु गण ही संयम श्रेष्ठ कहा लो, जीवन धन बना लो, जीवन धन बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, दुर्गति से दुशील न बचते कोई वेश भी धर ले, भिक्षा जीवी जटाया चीवर चाहे नग्न भी रह ले, सुव्रत धारी सदगति पाते निरति चार व्रत पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। अब मूल पाठ।
अन्नवंशी मोहंसी गिने दुरुतर तथेग महापन्न इमं प्रणमोदाहर संति में दुवे ठाणा अखाय मरणन्ति अकाम मरणं चेव सकाम मरणं ताः बालाणं तु अकामं तु मरणं असाई भवे पंडियाणं सकामं तु कोशेन साई भवे तथेमं बडमं ठाणं महावीरण देशेयं काम गिद्धे जहा बाले भीषं कुराय कुवाय जे गिद्धे काम भोगे सोए गे कुराय कच्छाय नैमे दिठे परे लोए चक्खु दिठा इमाराय हत्था गया इमे काम कालिया जे आना गया को जानाय परे लोए अथिवा नथिवा पुनो जणीन सद्धिम हो खामे बाले पग भय काम भोगानुरायणम केशम संपड़ि वजय तौसे दंडम समार भय तसे सुथावर सुये अठाये अनठाये भूये गामम विहिंसाये हिंसे बाले मुसावाये माये लेपि सुने सने भुंजे माने सुरम मनसम से अमयंति मनये काय सावय सामते विते गिद्धेय इति सुदुहाउ मनम संचिण इति सुनागव मट्टियम तव पुठो आयम केणम गिलाणो पर तपाय पबियो परलो अपनो सोया मीण रहे ठाणा अशीलाणम च जगई बालाणम कुर कमाणम पगाड़ा जतवे तथो आहियम ठाणम जहमेयम अनुसुयम आहकम में गच्छन्तु सुपच्छा परितपई जहा सागडियो जानम समम हिच्छा महाबहम विषमम अगमोइनो अखे भगवे सोय एवं धम्मं वियुक्तम् अहम्मं परिवज्जिया बाले मच्चो मोहं पते अखे भगे विसोयै तौसे मरणं दम्मे बाले संतसै भया काम मरणं मरै तुत्तेवा कलेन जिये एयं काम मरणं बालाणं तु पावेयम् एतो सकाम मरणं पंडियाणं सुणे मरणं विसपुन्नाणं मनुसूयं विपसन्न मनघायं संजयानं वुसिमौ नैमं सविसु विखुसु नैमं सविसु अगारिसु नाणाशिलागारथ विसंशिलाय विपुनो संति एघिं विखुहिं गारथ संजमुत्तरगारथेय संविहिं साहवो संजमुत्तर चिराजिणिं नगिणीं जडि संघाडि मुंडीनम एयाणि वीणतायन्ति दुस्सीलं परियागयम् पिण्डोलैव दुस्सीले नरगौण मुच्चै दिखाये योगे हते वसुवाय किमये दिव्यम् अगारि समयिङ्गाणि षड्डिकायण पासये पुसहं दुहाव पक्षम् एगरायम् नेहवये एवं शिक्षा समावन्ने गीवासि विसुवाय मुच्चै छवि अहजि संबुडे भिखु दुन्न मन्नय रेशिया सव दुख पाईने वा देवे वा विमाई डिये उत्तराय विहुहाय जोई मन्तानु पुवसु समाय नाम जखे मावासाय जसं सिनो दिहाओ याई डी मन्ता समेधा कामरु वेनो अहुणु अन्न संका सबुजो हच्चि माले पभा ताणी ठाणाणी गच्छंदी शिक्षिता संजमंता भिखाए वागी हते वाजे संति परिनिबुडा तेसिम सोचा संबुज्जानम संजयानम वुसिमौ न संत संति मरणं ते शीलवंता बहुसुया तुलिया विशेष समादाय दया धम्म सखंति विपसी जमे हावित आभूयेन अपनत तव काले अभिपे सड्डिताले समन्ति विनय जनो महरि संभियं देहस कंकाय अह कालमि संपत्ते
आघायाय समुसयम सकाम मरणम वरयति मन्नेरमणि। क्षटा जो अध्ययन है यह है क्षुल्लक निर्ग्रंथी। क्षुल्लक निर्ग्रंथी इसी अध्ययन में उत्तराध्ययन सूत्र में दो अध्ययन हैं, एक क्षुल्लक निर्ग्रंथी और एक महानिर्ग्रंथी। क्षुल्लक निर्ग्रंथी यह छठा अध्ययन है और 20वां अध्ययन है महानिर्ग्रंथी। क्षुल्लक का मतलब होता है छोटा और निर्ग्रंथ का मतलब होता है ग्रंथियों से रहित। गांठ बांधना, चाहे वो वैर की हो, चाहे वो क्रोध की हो, चाहे वो माया की हो, चाहे वो अहंकार की हो और चाहे वो इसी प्रकार अन्य अन्य दुर्भावनाओं की हो, हम अपने भीतर में अनेक प्रकार की गांठें बनाते हैं। आप एक धागा लीजिए और उस पर गांठ पर गांठ मारते चले जाइए तो धागा वही रहता है, परंतु धागे का जो धागा होना है वो खो जाता है। धागा वही है परंतु धागे का होना खो जाता है, वो धागे जैसा नहीं रह पाता। मान लीजिए कि आप अगर सुलझा हुआ धागा किसी के हाथ में दें और बाद में उसी धागे को उससे लेके उसको गांठ मार मार के पूरी तरीके से उलझा के अगर आप उसे किसी को देंगे तो वो क्या कहेगा कि भैया ये धागा नहीं है बल्कि ये क्या है, ये तो कोई और आपने चीज़ हमें दे दी, पर धागा तो वही है। आप अगर उसकी गांठें खोलेंगे धागा फिर से अपनी स्थिति में आ जाएगा। हमें परमात्मा हमें भरमाते हैं कि हम भी स्वयं परमात्मा हैं, हम स्वयं भगवान हैं, हम स्वयं भगवत स्वरूप हैं, परंतु हमने गांठ मार मार के अपने भगवत स्वरूप को क्या कर दिया है, कुछ और बना दिया। इसलिए आप कहते हैं कि हम मनुष्य हैं, हम पशु पक्षी हैं, हम नारकी हैं, हम देवता हैं, इस प्रकार के अनेक पर भावों में हम जीते हैं और उन्हीं भावों को हम अपनी सत्यता मान लेते हैं। परंतु याद रखिए निर्ग्रंथ प्रवचन अर्थात ये परमात्मा की जो वाणी है ये हमें कुछ नहीं बतलाती, सिर्फ इतना कहती है कि भैया गांठ मारना छोड़ दो। क्या करना छोड़ दो? गांठ बनानी छोड़ दो। ये जो भीतर में गांठ पर गांठें गांठों पर गांठें लगाते चले जाते हो ये काम बंद कर दो। जिस पल में ये काम बंद हो गया गांठें सुलझनी शुरू हो गई, आप अपने ही स्वभाव में अपने ही स्वरूप में आ जाते हैं। यही इस क्षुल्लक निर्ग्रंथी अध्ययन का भाव है। पहला ही जो सूत्र है कितना प्यारा है कि जितने भी अज्ञानी पुरुष हैं वो सारे के सारे दुख उत्पन्न करेंगे। तो दूसरों को अपने दुख की या सुख की जिम्मेदारी मत दो, अपने सुख की और दुख की जिम्मेदारी खुद उठाओ कि अगर मैं दुखी हूं तो अपने अज्ञान की वजह से और अगर मैं सुखी हूं तो अपने ज्ञान की वजह से। अब हम गीत लेंगे 27वां पेज। बंधनों की कर क्षमीक्षा स्वयं सतपथ खोजना, त्राण दे नहीं बंधु बांधव कर्म फल को भोगना, ग्रंथियों से बच के साधु मोह का छेदन करे, विद्या चरण से युक्त होकर प्राण ना कोई हरे, विद्या चरण से युक्त होकर प्राण ना कोई हरे। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना, उत्तराध्ययन में गुंजित होते प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। विद्याहीन पुरुष ही जग में अपना दुख बढ़ाते, इस अनंत भव सागर में वे बहुरी पीड़ा पाते, अज्ञान अविद्या दुख का कारण इनको आज मिटा लो,
जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य। जन्म मरण और बंधन की करके स्वयं समीक्षा, स्वयं सत्य की खोज करे रख मैत्री की आकांक्षा। जो जीवों का हो हितकारी ऐसा सत्य जगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना। पांचवा सूत्र, अपने सम सब जग को देखे सबको जीवन प्यारा, वैर भाव से उपरत होकर बने नहीं हत्यारा। बना दिया तृण भी न लेवे पर सारे टालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बन। सातवां सूत्र, प्राण नहीं देती भाषाएं और विद्या का शिक्षण, मान रहे जो इनको ताता कैसे उनका रक्षण। विषयों में आसक्ति दुख है इनका ज्ञान करा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य। आठवां, चार गति की खुली दिशाएं सोच समझ पग धरना, पथ है लंबा मोक्ष लक्ष्य रख नहीं प्रमाद में रहना। कर्म निर्जरा हित तन पोषे विषय विकार मिटा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। अमूल पाठ, जावंत विद्या पुरुषा सवेते दुख संभवा लुपन्ति बहु सो मूढ़ा संसार में अनंताय। समिख पंडिये तम्मा पास जाए पाए भाव, अपना सच में से जामितिम हुए सुख पाए। माया पियाणु सा भाया भज्जा पुताय और साना, नालं में ममताणाय लुपन्तस्य स कमुना। एयं मठं सपेहाय पासे
समीय दंसने छिंदंगे सिंगे अंचन कंखे पूव संतवं गवा सम्मणि कुंडलं पसुदास पुरुषं सवमेयं चैतानं कामरु विभविससि थावरं जंगमं चेव धनं धनं ओवखरं पच्यमानस गम्मे नारं दुखाऊ मोयने अज्जतं सहो सवं दिस पाणे पिया नै हणे पाणिनो पाणे भरिराओ राय आयाणं नारायं दिसणाय विजतनाम विदो गुंचे अपनो पाए दिन्नम भुंज जगोयनम इह मेघे उमनंदिय पच खाय पावगम आयरियं विदितानं सव दुखान मुचय बणंदा करताय बंद मुख पाईने नो माया वीर्यम तेन समासा संति अपयम ने चित्ताताय ए भासा कुओ विजानु सासन विसन्ना पावक कम्मे बाला पंडिय मानिनो केसरी के जेके शरीर सत्ता वन्ने रुवे सव सुमन सकाय वकनम सवेते दुख संभव आवन्ना देह मद्दानं संसारं मे अनंताय तम्मा सवदि संपस अपमत्तो परिवय बहिया उढ मादाय नाव कंख कयाय विपुव कम कय ठाय इमं देहं समुद्धर विगिंच कमुणो एवं काल कंख परिवय मायं पिंडस पाणस कलं लधुन बखय सन्निहिंचन कुविजले माया संज पक्षी पत्तम समुदाय निरवेखो पारिवाय ऐसना समीओ लज्जु गामे अनिया उचारे अपमत्तो पमते पिंडवायं गावसय एवं से उदाहो अनुत्तर नानी अनुत्तर दंसी अनुत्तर नान दंसन धरे अरहानाय पुत्ते भगवं विसालिये वियाहिये ती आज की वाचना यहीं विराम पाती है। अब हम आलोचना पाठ पढ़ेंगे। श्री आगमे तिविहे पन्नत्ते तंजह सुत्तागमे अत्थागमे तदुभयागमे ये हवा श्री ज्ञान के विषय जो कोई अतिचा लग होती में आलो जमवा एकदम बच्चा मेलियम हिणखरम अचखरम पहिणम विणहिणम जोभिणम घोषिणम सुठो दिनम दुठो पड़िछिन्नम काले को सज्जाओ काले न को सज्जा असज्जायम सज्जायम सज्जायम न सज्जायम तस्मिच्छामि दुक्कडम भगवान महावीर स्वामी की अंतिम वाणी अमृत वाणी हमारे लाडले प्रतिभा संपन्न वाणी विभूषण श्री ऋषि मुनि जी महाराज साहब के मधुर कंठ से सुनी। हम सभी जितने भी उपस्थित हैं सभी अपने सौभाग्य की अनुमोदना करें कि जिस सौभाग्य ने आज के दिन के लिए हमें स्वस्थ रखा, कानों को भी शक्ति प्रदान की और हम जिन वाणी सुनने के लायक बने, जिन वाणी की श्रुत आराधना करने के लिए हमारे कदम अहिंसा समोसरण की ओर बढ़े, ये हमारा सौभाग्य है। हरिश्चंद्र का चरित्र प्रारंभ करूं, उसके लिए पहले ओम का उच्चारण, कमर सिद्धि, चित्त शांत, आंखें कोमलता से बंद, गहरा
श्वास। ओ शांति शांति शांति। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। बोलिए दिगंबर आचार्य पूज्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए मंदिर मार्गे आचार्य श्रीमद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की। बोलिए स्थानक वासी आचार्य सम्राट श्री शिव मुनि जी महाराज की। बोलिए तेरा पंथ आचार्य पूज्य श्री महाश्रमण जी महाराज के। बोलिए जैन धर्म की। बोलिए श्रमण संघ की। सबसे पहले मेरे जीवन निर्माता सदमार्गदाता सदगुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पवित्र पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूं। आध्यात्मिक चातुर्मास 2018 के निमित्त इस गोड़वाड़ भवन में विराजमान मेरे उपाध्याय प्रवर संघ सेतु पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, मेरे सरल आत्मा महाश्रमण भंते श्री पारस मुनि जी महाराज साहब, इन दोनों गुरु भगवंतों के पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूं। मेरे तपस्वी श्री ऋषभ मुनि जी महाराज सहित समस्त प्रिय मुनिराज एवं उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आप सभी का अहिंसा समोसरण के इस पावन प्रांगण में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। राजा हरिश्चंद्र के चरित्र में प्रवेश करें उससे पूर्व इस चरित्र की जो विशेषता है, इस चरित्र का जो सार है, अनुभवियों ने कुछ गिनी चुनी पंक्तियों में सुनाने के लिए या सुनने के लिए इस हृदय ने जो प्रेरणा दी, जिसे हम शुरू से ही गा रहे हैं और सुन रहे हैं, एक बार सुनते हुए चिंतन करते जाएं। धर्म में न दो जा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, साची बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय
प्रभु आप सतमत छोड़ बावरे सत छोड़ा पत जाए सत की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए तप बल से भी सत्य का बल है अपरंपार हरिश्चंद्र के सत्य की सुनिए अब झनकार वह सत्यवादी हरिश्चंद्र एक पल में बना भिखारे मर घट में बिक गया राजा बिक गए तारा रानी वो अटल रहे धर्म पे फिर हो गई सब आसानी हम भूल गए हैं जिनको जरा याद करो कुर्बानी जिन धर्म के प्यारे लोगों यह सुन लो अमर कहानी हम भूल गए हैं जिनको जरा याद करो कुर्बानी बोलिए सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र की कल आप लोग सुन रहे थे कि राज्य का दान दे दिया है विश्वामित्र को हरिश्चंद्र ने एक पल की भी देरी लगाई नहीं सोचा नहीं समझा नहीं दिमाग लगाया नहीं दिमाग लगाते तो लाभ हानि के चक्कर में पड़ जाते क्योंकि जो सत्य है वो दिल से तो निभा सकते हो दिमाग से नहीं प्रेम और मैत्री आप हृदय के सहयोग से निभा सकते हो दिमाग से नहीं क्योंकि दिमाग हमें स्वार्थी बनाता है वो हमें हिसाब किताब सिखाता है किसमें लाभ है किसमें हानि है ये दिमाग हमें भ्रमित करता है ये दिमाग ही है जिसके सहयोग से हमें ये संसार सुहाना लगता है संसार की सब चीजें प्रिय लगती है कभी सत्ता कभी पद कभी दौलत कभी वसीयत हमें सुहानी लगती है लेकिन दिल तो केवल एक ही भाषा जानता है उस भाषा का नाम है मोहब्बत उस भाषा का नाम है त्याग उस भाषा का नाम है कुर्बानी उस भाषा का नाम है निछावर कर देना ये मोहब्बत सिखाती है ये सत्य सिखाता है जिसके लिए सत्य सब चीज है वो दिल में ही जीता है दिल में ही रहता है सम्यक्त भी होता है जहां बुद्धि का ज्यादा प्रवेश होता है इस बुद्धि के कई खूबियां हो सकती है ये विज्ञान को जन्म दे सकता है इसमें कोई दो राय नहीं बड़े बड़े पदार्थों का निर्माण कर सकता है इसमें भी कोई दो राय नहीं लेकिन ये दिमाग हमें संसार से ही जोड़ करके रखता है सब कुछ दे दिया पर लेकिन यहां पर शायद विश्वामित्र ने
हरिश्चंद्र की भद्रता का या उसके भोलेपन का, उसके सच्चे दिल का इस्तेमाल किया है, क्योंकि लाभ हानि जानता नहीं वो। यहीं पर उन्होंने एक चालाकी से एक बात कह दी, इतना बड़ा दान इस दुनिया में देने वाले तुम अकेले राजा हो, लेकिन इस महान दान को पूर्णता देने के लिए दक्षिणा हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्यों नहीं, क्यों नहीं। मैं अपनी ओर से आपको 1000 स्वर्ण मुद्रा देता हूं। मंत्री को बोला 1000 स्वर्ण मुद्रा दे दीजिए, बस ये भोलेपन का हथियार बना डाला विश्वामित्र ने, मजाक बनाया, खिलखिला करके हंसा भरी सभा में, तालियां बजाई, वाह वाह हरिश्चंद्र। राज्य का दान दे दिया, सब चीज का दान दे दिया, पर लेकिन खजाना तूने बचा के रख लिया। और उनके इस अट्टहास को या उपहास को तुरंत स्वीकार किया, हां गलती हो गई मेरे से। और आपको बतला देता हूं, हमारे यहां पर भी कोई व्रत और पचखान लिया जाता है ना, तो उसमें एक शब्द का इस्तेमाल होता है, सहसा गारे ना। अगर अचानक भूलवश अगर कुछ हो जाए तो उससे व्रत टूटता नहीं, हमारे यहां पर भी है। जैसे किसी ने उपवास ले रखा है और अचानक पता नहीं चला कुछ खा गया और तुरंत ध्यान आया, ओ ये क्या हुआ, आज तो मेरा उपवास था, तो उससे उपवास टूटता नहीं है, क्योंकि तोड़ने के भाव नहीं है वहां पर। तो ये सत्य का व्रत टूटा नहीं, भोलेपन में गलती हुई है, लेकिन गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो गलती को दिल से स्वीकार करता है ये भी एक सत्यता है। हरिश्चंद्र एकदम सब पका गए, सन रह गए, ओ ये मेरे से गलती क्यों हो गई। जब हरिश्चंद्र स्तब्ध रह गए तो उनकी स्तब्धता का मजाक बनाता है विश्वामित्र, किन शब्दों में सुनिए। हरिश्चंद्र कुछ स्तब्ध हुए तो कौशिक की वाणी मचली, देखा आखिर अंतर में का रंग निखर आया असली, दत्त दान में से देने का कैसा अभिनव ढोंग रचा, त्याग राज्य का कर देने पर कहो और क्या शेष बचा। सुन निज तन सुत और रानी के अतिरिक्त न तेरा कुछ भी है, आभूषण धन जन से ना पर स्वत नहीं अनुभर है, सूर्य वंश में जन्म लिया है फिर भी अज्ञान बड़ा भारी, आदि देव श्री ऋषभ देव की कीर्ति कलंकित कर डारी, व्यर्थ मुक्त की सुर बालाएं फिर अपराध नहीं माना, भ्रांति पुणे की राज्य दान कर बना दान का दीवाना, भूल भूल फिर भूल भयंकर भूल दक्षिणा लाने में, कैसी जड़ता दिखलाई है दत्त कोष हथियाने में, तेरा ये अज्ञान देख कर करुणा उमड़ी आती है, स्वीकृत कर ले दोष की बिगड़ी बात अभी बन जाती है। आ गया ना तेरा असली रूप, वाह शर्म नहीं आई तुझे, क्योंकि मौका मिल गया बोलने का। और जिसके अंदर अभिमान होता है, जिसके अंदर वैर भाव होता है, वो ऐसे वक्त की तलाश में रहता है, बस मुझे बोलने का मौका मिल जाए, कोई गलती करे और मैं बोलूं।
कि सन तेरी केवल तीन चीजें हैं, एक तो तेरा शरीर तेरा अपना है, एक तेरी घरवाली यानी तेरी औरत तेरी अपनी है, और एक तेरा बच्चा तेरा अपना है, इसके अलावा इस अयोध्या में तेरा कुछ भी नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं, एक बंदा भी तेरा नहीं है, ना कोई धन ना कोई जन और ना कोई खजाना ना कोई सेना, कुछ भी नहीं है तेरा, बस तीन चीजें तेरी है, तेरा शरीर तेरा बेटा तेरी घरवाली और इसके अलावा कुछ नहीं। मैं सोचने लग रहा हूं कि तुझको भगवान ने सूर्य वंश में पैदा कैसे कर दिया। हाँ, तेरे जैसे अज्ञानी के लिए ये सूर्य वंश उचित जान नहीं पड़ता। कहां भगवान ऋषभ देव और कहां तेरा जैसा कलंकित आदमी। कलंकित कर दिया है तूने भगवान ऋषभ देव को। ऐसी ताने मारते हो ना आप लोग भी, किसी बच्चे से गलती हो जाए कि पता नहीं तेरे मां बाप ने तुझको क्या सिखाया है, भगवान का ताना मार रहा है। सबसे पहली गलती वो बताने लगा, सबसे पहली गलती कि मेरी तपस्या के प्रभाव से बंधी हुई अप्सराएं खोली, पहली गलती। दूसरी गलती तेरी कि मैंने दान मांगा और तूने देना शुरू कर दिया। हाँ, और तीसरी गलती दान देने के बाद दक्षिणा मेरे ही खजाने से मुझको ही देने लगा। पास में आकर के उसकी ठोड़ी पर हाथ लगा करके उसके चेहरे को ऊपर उठा करके कहने लगा, हरिश्चंद्र तेरे इस भोलेपन पर मुझे बहुत करुणा आती है, कितना भोला है तू। फिर हाथ नीचे हटाया, कहा इसी बात पे एक बात कह रहा हूं हरिश्चंद्र, आखिर मैं तेरा गुरु हूं, दिल में मोहब्बत है तेरे लिए, एक बार कह रहा हूं पांव पकड़ ले माफी मांग ले, बस अपनी गद्दी अपने पास रख, अपनी दक्षिणा अपने पास रख, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे एक चीज चाहिए कि हाथ जोड़कर माफी मांग ले, ये कह दे गुरुजी मैंने उन अप्सराओं को छोड़ के गलती की, बस। और देखो इतना मजाक बनने के बावजूद भी हरिश्चंद्र के अंदर क्रोध नहीं आया, यह है सत्यता। इसको देखना आप, ये क्वालिटी है, ये हम जैसे संतों के अंदर भी नहीं होती, ये क्वालिटी है। वीर पुरुष अपवानी सुनकर, किसको वीर पुरुष कहते, कवि बोल रहा है, वीर पुरुष अपवानी सुनकर क्रोध नहीं मन में लाते, अविचल शांत प्रशांत सिंधु से नहीं क्षुब्धता दिखलाते, सत सत विद्युत पड़े सिंधु में क्या प्रभाव दिखलाएंगे, अतल जल्दि में सदा काल के लिए शांत हो जाएगी। वीर पुरुष ऐसे ताने सुनने के बावजूद भी क्रोध नहीं करता। कभी कभी कहता हूं, मैं भी नापता हूं कभी अपने आप को, आप भी नापे कि इतनी समय करने के बाद भी मुझे छोटी छोटी बातों पर क्रोध क्यों आ जाता है। कभी कभी सोचा करो, विचार किया करो, फिर ये सोचा करो कि मैंने शायद धर्म ऊपर से किया है अंदर से नहीं किया है, शरीर से किया है मन से नहीं किया है, क्योंकि मन से किया होता तो छोटी छोटी बातों पर मेरा मानसिक संतुलन कभी बिगड़ता नहीं, पर अगर बिगड़ रहा है तो इसका मतलब
अभी मैं अंदर से संतुलित और संयमित नहीं हूं। हाँ नहीं, ये स्वीकार करो। इस गलती को अगर तुम बार बार स्वीकार करोगे तो कभी ना कभी हम होश में आ सकते हैं, हमारी तितिक्षा, हमारी सहन शक्ति बढ़ सकती है। इतनी क्योंकि वो भड़काना चाहते, हरिश्चंद्र का अपमान करते हुए इसे भड़काना चाहते। एक बार क्रोध में तो आ जावे, और क्रोध में अगर ये आ गया जो गलती मैंने की है, फिर वो गलती ये करेगा। यही कहता हूं कि विश्वामित्र की सबसे बड़ी हार ये थी कि वो हरिश्चंद्र को क्रोध नहीं दिला पाए। बस बड़े जवाब बड़े मीठे शब्दों में दिया। ठीक कहा है गुरुवर, अब मैं नहीं कोश का स्वामी हूं। कितना विनम्रता से जवाब दिया। ठीक कहा है गुरुवर, अब मैं नहीं कोश का स्वामी हूं, फिर भी सहस स्वर्ण की मुद्रा दूंगा सच का हामी हूं। कहा कि ये आपने सही फरमाया कि मैं खजाने का मालिक नहीं रहा, लेकिन अब मेरे मुख से निकल गई है कि मैं आपको 1000 स्वर्ण मुद्रा दूंगा, तो मैं आपको दूंगा। है? देगा कैसे? कैसे देगा इतना ऋण, क्या भीख कहीं से मांगेगा? व्यर्थ कदाग्रह से निज कुल का अमित कलंक लगा लेगा। भाई ये तो बता, तू देगा कहां से? ये तो बता, एक कौड़ी नहीं है तेरे पास, एक कौड़ी नहीं है, पर देगा कहां से तू? अच्छा, अपने चमचों से भीख मांगेगा? हाँ, भीख मांगता होगा। अबे शर्म कर, जिस कुल में तेरा जन्म हुआ है उस कुल में कभी हाथ ऐसे ऐसे नहीं करते, क्योंकि ये करना अलग बात है। दोनों में अंतर है, आपसे मैं पूछ लूं, इसमें और इसमें क्या अंतर है? ऐसे क्या लिया जाता है और ऐसे क्या लिया जाता है? ऐसे भीख मांगी जाती है, दिए भाई, ए भाई दिए जरा, ये भीख मांगी जाती है और ये प्रसाद मांगा जाता है। जब दोनों हाथ जुड़ते हैं तो प्रसाद के लिए जुड़ते हैं, ये मुद्रा है। तो इसलिए कहता हूं कभी मां से भी रोटी मांगो तो एक हाथ से नहीं देना, जरा एक रोटी देना। अरे भैया काय भी काय को मांगता है, रोटी भी लो तो हमेशा, क्योंकि गुरुद्वारे में ये चीज मुझे देखने को मिली कि कोई एक हाथ से रोटी मांगता है तो वहां के सेवादार कहते हैं भैया ये प्रसाद है, भीख नहीं है, ये प्रसाद है, ये भीख नहीं है। प्रसाद को दोनों हाथ से लेते हैं। हाँ, अंजलि दोनों हाथों से यूं दी जाती है, पुष्पांजलि दोनों हाथों से यूं दी जाती है। यो अच्छा, भीख मांगेगा तो कह दिया उसने, मांगेगा क्या कश्यप वंशी, वह तो बस देना जाने, होता है मालूम अभी तक नहीं दास को पहचाने। कहा कि गुरुदेव जिस वंश में जन्म लिया है उस वंश में मांगते नहीं है, और शायद आपने अभी अपने बच्चे को पहचाना नहीं है। अच्छा फिर कैसे लाएगा, अरे हमें भी तो बतला, बातें बना दक्षिणा धन में डालेगा एक दिन घपला। पर ये बता, जब है ही नहीं तेरे पास फिर लाएगा कहां से? हाँ, देगा कहां से, मांगेगा किससे? भाई बात सुन, दान से बड़ी दक्षिणा होती है, और इस दक्षिणा में कोई घपला नहीं होना चाहिए। हाँ, पहले पहले बात बता, ये दक्षिणा देगा कैसे? यही मुझे निश्चित कर। फिर कहा, तन बेचू कुछ करूं आपका, ऋण न डूबने पाए, हरिश्चंद्र रवि कुल गौरव को नहीं कलंक लगाएगा,
आज अभी तो ये जीवन है और नहीं कुछ देने को, एक मास का समय चाहिए ऋण का भार चुकाने को। कहा कि चाहे मैं तन बेचूं चाहे कुछ भी करूं, आपका ऋण नहीं मरेगा, मैं ये वादा दे सकता हूं। और इस वक्त मेरा शरीर मेरा जीवन है, इस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं है, हाँ अगर आप एक महीने का समय दे दीजिए, 30 दिन का समय दे दीजिए, मैं 30 दिन के अंदर 1000 स्वर्ण मुद्रा आपको दे दूंगा। एक महीने का समय, 30 दिन का समय मुझे दे दीजिए। सोचा यार आदमी है क्या है, माफी नहीं मांग रहा, 30 दिन का समय मांग रहा है, मैं चाहता हूं ये माफी मांग ले, और ये 30 दिन का समय मांग रहा है, और गुस्सा आ गया। क्रोध प्रकंपित स्वर में बोले, अरे नहीं अब भी हटता, एक मास का अवसर देता, अच्छा दिखला दृढ़ दृढ़ता, 30 दिनों से बढ़ा एक भी दिन तो ब्रह्म दंड दूंगा, कर डालूंगा भस्म पलक में सारी अकड़ निकालूंगा। कहा कि तू सुधरने वाला नहीं है, ये तो बात मेरे दिल में जच गई, तू सुधरने वाला नहीं, तू झुकने वाला नहीं, और तू अपनी गलती मानने वाला नहीं। चल तू भी क्या याद रखेगा, वो भी 30 दिन का समय देके ऐसा जतला रहा जैसे कोई एहसान कर रहा हो, चल तू भी क्या याद रखेगा, चल तुझे 30 दिन का समय दिया, हाँ पर एक बात याद रखियो, 30 दिन के बाद एक दिन भी ऊपर नहीं होना चाहिए, हाँ एक दिन भी ऊपर हो गया तो तुझे परिवार सहित जलाकर भस्म कर दूंगा। कहा कि स्वीकार, और सुन केवल इस अयोध्या के अंदर केवल आज के दिन और आज की रात ही रहेगा, कल यहां से निकल जाना, अयोध्या में दिखाई नहीं देना चाहिए तू मुझे, अगले दिन निकल जाना, बस केवल आज का दिन और आज की रात, क्योंकि दिन के बाद जो रात आएगी, रात के बाद जो दूसरा दिन आएगा, दूसरे दिन इस अयोध्या को छोड़कर चले जाना, गेट आउट फ्रॉम हियर, वो तो उसने नहीं बोला तो मैं बोल रहा हूं भैया, चले जाना यहां से, ये एक आदेश है इस नए अयोध्यापति का। कहा कि गुरुदेव जो भी आज्ञा। वो दृश्य देखिए आप, अगर तुम्हारा पास दिल है तो सुबह वो राज मुकुट के साथ राजसभा में आया था, और शायद 12 बजे के वक्त नंगे सिर नंगे पांव और कोई भी चैन कोई अंगूठियां कोई कड़े कोई बाजूबंद कुछ भी नहीं, सब कुछ समर्पित कर दिया, नंगे पांव चल पड़ा। कहां रथ के ऊपर आया करता था और कहां नंगे पांव अपने महल की तरफ, फिलहाल एक दिन के लिए वो महल है उसके पास, उस महल की तरफ चल पड़ा। सुनो, एकदम जब वो चल पड़े किधर, महल की तरफ, हाँ समय आपका है, घड़ी की तरफ नजर नहीं गया, मैं भी हरिश्चंद में इतना पागल हो गया, आप
कल का दृश्य देखने वाला है और क्या सोच के निकला है और चलते चलते क्या सोच रहा है, उसकी आंखों के आगे दो चेहरे आए हैं। उन चेहरों को लेकर के, क्योंकि अभी एक राजा की भूमिका अदा करके आया है, अब उसके पास दूसरी भूमिका भी है, दो भूमिका और है। एक वो एक बच्चे का पिता है और एक नारी का पति भी है। वो अब वो क्या सोचता है और क्या होता है, इसको सुनना है तो कल फिर आइएगा। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं। जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला माल हुए, दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए, हो दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालो सुन लो, लोहे कपड़े वालो सुन लो, बेंगलोरो वालो सुन लो, बात सुनाऊं खरे खरे, ले लो रे कोई राम का प्यार, शोर मचाऊं गली गले, ले लो रे कोई गुरु का प्यार, शोर मचाऊं गली गले। हो वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यार, शोर मचाऊं गली गली, हो शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली।